वैसे हो सकता है कि अगर आपने अभी तक एंशियंट सीक्रेट मोड का कोई क्लासिक मैच खेला हो तो आपको इस तरह के स्पेशल स्टैचूज दिखे हो स्पॉन आइलैंड पर। विश किया तो मुझे 100 एजी करेंसी मिल गई। लेकिन मेरे भाई अभी ये फेदर्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने ही वाला हूँ। इस इवेंट पेज के बैकग्राउंड में जहाँ हमें अभी तक नीला आसमान देखने को मिल रहा था, वहाँ नाइट मोड शिफ्ट होते ही बैकग्राउंड में अंधेरी रात हो चुकी है। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो। द एंशियंट सीक्रेट मिशन सीरीज में ट्रेजर हंटर्स के बाद आज दूसरा इवेंट डे वर्सेस नाइट आ गया है, और ये भी एक ऐसा बेहतरीन इवेंट है जिसके अंदर हमें फ्री एजी करेंसी के साथ साथ और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो आ मेरे भाई फटाक से देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये डे वर्सेस नाइट इवेंट और हमें इसे कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा क्लासिक मैचेस खेलने होंगे, जिन्हें खेलने पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स से हम रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि इस इवेंट के अंदर हमें डेली मिशंस मिलेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे रिफ्रेश हो जाएंगे, और जैसे ही हम हर दिन के पहले 3 मैचेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये डे मोड नाइट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये कोई क्लासिक मैचेस वाला नाइट मोड नहीं है गाइस, ये तो इस इवेंट का एक अपना नाइट मोड है। सो अगर आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो मैं आपके लिए कुछ क्लासिक मैचेस खेल कर दिखाता हूँ। जैसे ही हम 3 क्लासिक मैचेस कंप्लीट कर लेंगे गाइस, ये डे मोड से नाइट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आखिर ये ऑप्शन दिया क्यों है इस इवेंट के अंदर, ऐसा क्या है जो डे मोड से नाइट मोड में शिफ्ट होने के बाद बदलने वाला है, तो आओ फिर ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने आज के पहले 3 क्लासिक मैच इन दोनों मोड्स के अंदर खेले, जो कि एंशियंट सीक्रेट मोड है और नॉर्मल क्लासिक मोड है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि ये इवेंट उन दोनों पे अप्लाई हो रहा है या फिर किसी एक पर नहीं हो रहा है। और फाइनली ये कंफर्म हो गया कि चाहे हम एंशियंट सीक्रेट मोड खेलें या फिर नॉर्मल क्लासिक मोड खेलें, ये इवेंट दोनों पर वर्क कर रहा है। और ये भी कि हर एक मैच खेलने पर हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पर जो पहले 3 क्लासिक मैच अपने खेले, हर मैच में मुझे 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन जैसे ही मैंने अपना क्लासिक मैच कंप्लीट किया तो ये डे वर्सेस नाइट इवेंट मोड डे से नाइट में शिफ्ट हो गया। इस इवेंट पेज के बैकग्राउंड में जहां हमें अभी तक नीला आसमान देखने को मिल रहा था, वहां नाइट मोड शिफ्ट होते ही बैकग्राउंड में अंधेरी रात हो चुकी है। और इसी के साथ साथ कुछ और न्यू ऑप्शंस ऐड हो गए हैं जो अभी तक इस इवेंट पेज में हमारे पास नहीं थे। सामने ये जो 2 ऑप्शंस अब हमें दिख रहे हैं, इनमें से पहला तो है विश ऑप्शन और दूसरा है बोनस चैलेंज। एंड जैसे ही मैंने इस बोनस चैलेंज ऑप्शन को ओपन किया तो मुझे ये पता चला कि हमें इसके अंदर ऐसे कुछ डेली मिशंस मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट कर लेने के बाद हम अपने पॉइंट्स को 2x, 3x, 4x या फिर 6x कर सकते हैं। सो एक सिंगल क्लासिक मैच का स्कोर, जो कि अभी तक एक्चुअली मिनिमम 10 पॉइंट्स था, अगर हम इस वाले चैलेंज को 500 BP स्पेंड करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे तो वो x2 हो जाएगा। यानी कि हमें एक क्लासिक मैच में मिनिमम 10 पॉइंट्स के बजाय अब 20 पॉइंट्स मिलेंगे, और इस चैलेंज मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें मैच में मिनिमम 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है। अब ठीक इसी तरह अगर हम अपने स्कोर को 3x करना चाहते हैं तो हमें 3x वाला मिशन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 30 सिल्वर स्पेंड करना होगा, और फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेने के बाद हमें हर क्लासिक मोड मैच खेलने पर अपने नॉर्मल स्कोर के 3 गुने पॉइंट्स मिलेंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह 4x वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पर 4 गुने और 6x वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पर हमें 6 गुने पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अब एक दिक्कत ये है कि हमें 4 और 6 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एंशियंट कॉइन्स स्पेंड करने होंगे, जो कि हमारे पास अभी तक है नहीं। तो ये एंशियंट कॉइन्स हमें कैसे मिलेंगे, वीडियो देखते रहो, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। सो अब जैसे ही मैंने 500 BP स्पेंड करने के बाद 2x वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस मिले, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन तो है चैलेंज नाउ, यानी कि मुझे एक क्लासिक मोड मैच खेलना है और उसके अंदर 3 एनिमीज को एलिमिनेट कर देना है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर मैं ये 3 फेदर स्पेंड कर लेने के बाद इस मिशन को यहीं का यहीं कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई अभी फेदर्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने ही वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना 4th क्लासिक मैच कंप्लीट किया जिसके अंदर मैंने मिनिमम 3 किल्स किए, और गाइस ये देखो मुझे नाइट मोड के अंदर अपना पहला क्लासिक मैच खेलने पर कितने पॉइंट्स मिले। मेरा स्कोर 30 पॉइंट्स से सीधा 90 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 60 पॉइंट्स। सो जैसे जैसे हमारा स्कोर इंक्रीज हो रहा है, हमें नीचे बहुत सारी क्रेट्स मिलती जा रही हैं। और गाइस मैंने आपको अभी तक वीडियो में जितने भी स्पेशल आइटम्स के बारे में बताया है, हमें यहाँ नीचे दिखाए गए रिवॉर्ड्स में वो भी मिलते जाएंगे। जैसे कि एंशियंट सीक्रेट कॉइन, जिसको यूज करने के बाद हम अपना स्कोर नाइट मोड में 6x कर पाएंगे। ये गोल्डन फेदर, जिसको यूज करने पर हम अपने एक्टिवेट किए गए चैलेंज को मैच के अंदर जाए बिना ही बाहर से कंप्लीट कर लेंगे। सो ये तो था इस इवेंट के अंदर इस बोनस चैलेंज और इन स्पेशल आइटम्स का
पांडा। लेकिन अब ये विश ऑप्शन क्या है, चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमें इस इवेंट के अंदर डेली 10 विशेज मिलेंगे, जिनमें सबसे पहली विश फ्री होगी और बाकी की 9 विशेज हम सिल्वर यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। और विश ऑप्शन यूज करने पर भी हमें ये स्पेशल आइटम्स जैसे कि कॉइन, फेदर वगैरह या फिर फ्री एजी करेंसी के साथ साथ और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेरे भाई, मैंने पहली बार जैसे ही ये फ्री ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मुझे एंशियंट कॉइन मिल गया, और दूसरी बार सिल्वर फ्रैक्स यूज करते हुए विश किया तो मुझे 100 एजी करेंसी मिल गई। सो इतना ही सिंपल था ये डे वर्सेस नाइट इवेंट। इस इवेंट के नाइट मोड में हमें डेली कुछ स्पेसिफिक मैचेस ही मिलेंगे जिन्हें हम कंप्लीट करके अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ठीक इसीलिए हमें स्कोर के साथ साथ रिवॉर्ड्स में ये स्पेशल की भी मिलने वाली है गाइस। इस आइटम को यूज करने के बाद हमारे नाइट मोड के अंदर खेले गए मैचेस इंक्रीज हो जाएंगे। वैसे हो सकता है कि अगर आपने अभी तक एंशियंट सीक्रेट मोड का कोई क्लासिक मैच खेला हो तो आपको इस तरह के स्पेशल स्टैचूज दिखे हो स्पॉन आइलैंड पर। ये स्टैचूज बस एक सार्को फिगर्स है जिनको यूज करते ही हमें फेरोक्रेट्स मिलेंगी। ये फेरोक्रेट्स कुछ इस तरह की दिखती हैं और ये हमें अपनी इन्वेंट्री में मिल जाएंगी। मेरे भाई, हमें अभी के लिए बस इन्हें कलेक्ट करते रहना है क्योंकि इनसे रिलेटेड इवेंट बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे ये स्पेशल स्टैचूज या फिर सार्को फिगर्स वाला इवेंट आएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। द एंशिएंट सीक्रेट सीरीज के इस इवेंट की रिलीज डेट 20th August है, तो जैसे ये इवेंट आ जाएगा देख लेंगे इसके अंदर क्या करना है। तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।